हे गाइज, आज के वीडियो में हम फिर से स्वीडन की 6 गर्मा गर्म लोंडियों के बारे में बात करेंगे, जिनके कारनामे देख के फिर से तुम्हारे औजार को शांति मिलेगी। अब बोर्डिंग स्कूल से निकल के वो 6 कन्याएं क्या क्या कांड करती है, आइए देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। अब चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में 6 स्वीडन लड़कियां अपनी विरासत लेने के लिए ट्रेन से स्विट्जरलैंड जा रही होती है। ट्रेन के डब्बे में उन्हें बोर लगता है तो वो एक दूसरे के संतरे, लींबू और गुब्बारे आजाद करके ठुकाई वाली बातें करने लगती है। तभी उनके डब्बे में एक फुटबॉल प्लेयर आता है तो सभी लड़कियां उस पे टूट पड़ती है, जिससे वो घबरा के वहां से भाग जाता है तो लड़कियां उस पे हंसने लगती है। तभी थोड़ी देर में वो लड़का अपनी पूरी टीम को लेकर आता है तो सभी लड़कियां एक एक लोंडे को पकड़ के अपनी प्यास बुझाने लगती है। लोंडे भी अपना औजार उनकी सुरंग में डाल के आगे पीछे से जम के पेलम पेलाई करने लगते है। ठुकाई करते करते ही वो स्विट्जरलैंड पहुंचते है तो लड़कियां कपड़े वगैरह पहन के वकील के ऑफिस में जाती है और वकील उन्हें पावर ऑफ अटर्नी सुनाते सुनाते सभी लड़कियां रो के एक एक करके पेपर पे सिग्नेचर वगैरह करती है। सबके सिग्नेचर होने के बाद वकील लड़कियों को तुम्हें कुछ यहाँ रहना होगा क्योंकि एक दिन में विरासत तुम्हारे नाम नहीं होगी, ऐसा बोलता है। तो सभी लड़कियां उसके साथ बहस करने लगती है क्योंकि उनके पास वहाँ रहने के लिए पैसे नहीं होते, साथ में वहाँ पे काम करने का परमिट भी उनके पास नहीं होता। तो वकील मैं कुछ करता हूँ ऐसा बोल के उन्हें शांत करा के वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वकील का आदमी वहाँ आता है तो सभी लड़कियां उसके पप्पू को आजाद करके उसे अपने गुब्बारों का रस पिलाने लगती है, जिससे उसकी फटके वो वहाँ से भाग जाता है। तो लड़कियां सभी सामान ठीक करके वकील वापस आता है और लड़कियों को वहाँ रहने के लिए कुछ पैसे देता है तो सभी खुश होकर से चली जाती है। और फिर सभी लड़कियां बस के पैसेंजर्स को अपने बड़े बड़े गुब्बारों के दर्शन देके स्विस आल्प्स में आती है और अपने संतरे आजाद करके ही जाने लगती है। तो पीटर उनके संतरे देख के खुश होता है, जिससे उसकी बीवी अनीता उस पे चिल्लाने लगती है। तो पीटर अनीता को टेबल पे लेटा के उसकी सुरंग को शांत करने लगता है। पहाड़ियों की तरफ जाते जाते इंगा के हाथ से उनके पैसे और सामान पहाड़ी के नीचे गिरता है, जिससे सभी लड़कियां परेशान होने लगती है। तभी उन्हें कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है और थोड़ी बारिश भी होती है तो सभी लड़कियां उस कुत्ते की तरफ जाके वो जिसका कुत्ता होता है उसके घर जाते हैं। वहाँ पे टॉम नाम का बुढ़ऊ होता है तो लड़कियां टॉम के घर आते ही अपने गुब्बारे आजाद करके टॉम के साथ थोड़ी बात वगैरह करके टॉम ने अभी तक किसी भी लड़की के साथ ठुकाई नहीं की होती है तो सभी लड़कियां उसके औजार से अपनी सुरंग शांत करने का प्लान करती है और उसे बोर्डिंग स्कूल में जो ठुकाई की थी वो भी बताती है। उसके बाद टॉम कुछ पढ़ रहा होता है तो इंगा और बाकी की लड़कियां पानी गर्म करके उसी के सामने नहाती है। साथ में टॉम को गर्म करने के लिए एस्ट्रिड उसके पास जाके अपने गुब्बारे आजाद करके खुद की सुरंग में उंगली करने लगती है। फिर भी टॉम अपने औजार को खड़ा नहीं होने देता तो एस्ट्रिड लील के साथ चुमाचाटी करके सभी लड़कियां एक दूसरे की प्यास बुझाने लगती है। उनकी खुलेआम पेलम पिलाई देख के टॉम की पीछे से फटने लगती है और वो मैं सोने जा रहा हूँ ऐसा बोल के ऊपर के कमरे में जाके फ्रेश होने लगता है। तो उसके बेड पे ग्रेटा अपनी सुरंग आजाद करके सोई होती है, जिसे देख के टॉम अपने पप्पू को उसकी सुरंग का पानी पिलाने लगता है। जोरदार पेलम पिलाई होने के बाद टॉम सो जाता है तो ग्रेटा नीचे आके बाकी की 5 लड़कियों को भेजती है, जिससे वो टॉम के पास आके सभी लड़कियां उसके औजार से अपनी अपनी सुरंग शांत कराती है। अगली सुबह टॉम सो के उठता है तो उसे समझ में आता है कि वो 6 लड़कियों की प्यास नहीं बुझा सकता, जिससे वो 6 स्वेडिश लड़कियों के बारे में लेटर पे लिख के वो लेटर अपने कुत्ते के गले में डाल के उसे अपने दोस्तों के पास भेजता है। सबसे पहले कुत्ता जंगल की तरफ जाता है तो शिकारी को वो कुत्ता दिखता है, जिससे शिकारी उसके पास जाता है तो उसे वो चिट्ठी दिखती है, जिसे पढ़ के शिकारी को उन 6 कन्याओं की झाटों से भरी सुरंग दिखने लगती है और वो लकड़ी को ही उनकी सुरंग समझ के चुमाचाटी करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में शिकारी को होश आके वो खुशी से टॉम के घर जाने लगता है। उसके बाद कुत्ता नदी के किनारे मछुआरे के पास आता है तो मछुआरा भी वो चिट्ठी पढ़ के उन 6 लड़कियों की गुफा और गुब्बारों के बारे में सोच के उनके साथ पेलम पेलाई के बारे में सोचते सोचते पानी में गिरता है। वैसे ही उसे होश आके वो भी उन हौसी लड़कियों को पेलने जाता है। स्कूल में मास्टर कुछ पेपर देख रहा होता है, तभी वहाँ पे घूमते घूमते कुत्ता आता है तो मास्टर उसका लाड़ करते करते उसे भी वो चिट्ठी दिखती है तो वो पढ़ने लगता है, जिससे उसे भी 6 स्वीडन लड़कियों के बारे में पता चलता है। वैसे ही उसे उसकी क्लास में वो 6 कन्याएं दिखने लगती है और वो फेल होती है तो मास्टर इंगा के साथ आगे पीछे से पेलम पेलाई करने लगता है, साथ में बाकी की लड़कियां वहीं पे अपनी झाटों से भरी सुरंग को उंगली से शांत करने लगती है। जोरदार ठुकाई के बाद मास्टर को होश आता है और वहाँ पे कोई भी लड़की नहीं दिखती तो वो कुछ सोच के कुत्ते को वहाँ से भेज के स्वीडन की 6 लड़कियों को पेलने जाता है। सब्जी वाला सब्जी रख रहा होता है, तभी वहाँ कुत्ता आता है और सब्जी वाले को भी वो लेटर दिखता है तो उसे भी लड़कियों के बारे में पता चलता है। वैसे ही उसे लड़कियों की आवाज आती है तो वो कुत्ते को भेज के कमरे में जाता है तो वहाँ पे 6 कन्याएं दिखाई देती है, जिन्हें देख के सब्जी वाला अपना औजार एक एक करके सबके मुंह में देता है। और थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो पत्ता गोभी को छेद करके अपने चिंटू को शांत करा रहा होता है, जिससे वो पट से गोभी को फेंक के लड़कियों को ठोकने जाता है। पीटर की बीवी अनीता की प्यास पीटर के औजार से नहीं बुझती तो अनीता अपने लोकी आजाद करके पोस्टमैन के औजार से झाड़ियों के बीच में अपनी गुफा शांत करने लगती है। पोस्टमैन भी मस्त आगे पीछे से अनीता को दनके देके पट से लेटर जमा करने जाता है। तभी वहाँ पे कुत्ता आता है और उसे भी वो लेटर दिखता है। वैसे ही उसे लेटर बॉक्स में लड़कियों की खाई गुफा सुरंग और गुब्बारे दिखने लगते है तो उसके पप्पू में खलबली मच के वो भी भागते हुए लड़कियों को शांत करने जाता है। कुत्ता बार में आता है तो वहाँ पे अनीता होती है और उसे वो लेटर दिखता है
है तो वो पढ़ने लगती है, जिससे अनीता शॉक होती है। तभी पीटर को कुत्ता दिखता है तो वो उसके पास आता है। तभी पोस्टमैन भागते हुए वहां कि वो पीटर को चुपके से स्वीडन की हौसी लड़कियों के बारे में बताता है, जिससे वो बहाना करके पोस्टमैन के साथ लड़कियों को ठोकने जाता है। लेकिन अनीता को उनके ऊपर डायरेक्ट शक होता है तो वो भी उनके पीछे जाने लगती है। यह लड़कियां टॉम को पप्पी देके अपने संतरे और लींबू आजाद करके पहाड़ियों में रनिंग करने जाती है। शिकारी मास्टर पोस्टमैन वगैरह सभी लोंडे टॉम के घर जाने लगते हैं। साथ में अनीता भी पीटर के पीछे आती है, लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद वो खो जाती है। कुत्ता वापस घर आता है और उसके पास लेटर नहीं दिखता तो टॉम को लगता है कि उनके दोस्तों को लेटर मिल गया होगा, जिससे वो खुश होता है। लड़कियां रनिंग करती हुई नदी के पास आती है और वहीं पे बैठ के एक दूसरे की सुरंग में उंगली करके एक दूसरे को शांत करने लगती है। तभी लोंडे भी वहां आके चुपके से उनकी पेलम पेलाई देखने लगते है। वहीं पे अनीता भी आती है और लड़कियों के खुले संतरे देख के उसकी सुरंग में भी खुजली होने लगती है, तो वो अपने लोकी आजाद करके खुद को शांत करने लगती है। तभी अनीता के बड़े बड़े लोकी मास्टर देख लेता है, जिससे मौके का फायदा उठा के मास्टर अनीता को अपना पप्पू चुसवा के पीछे से ठुकाई करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में 6 लड़कियां वहां से जाने लगती है तो मास्टर वहां से चला जाता है। साथ में बाकी के लड़के भी लड़कियों के पीछे जाने लगते हैं तो अनीता भी खुद की सुरंग को संभाल के वो भी उनके पीछे जाती है। सभी लड़कियां टॉम के घर आके कमरे में जाती है तो लड़के भी उनके पीछे पीछे कमरे में जाके एक एक लड़का एक एक लड़की लेके उनके गुब्बारे दबा दबा के सब पागलों की तरह जम के पेलम पेलाई करने लगते है। वहीं पे उनके पीछे पीछे अनीता भी आती है तो टॉम उसे बाहर ही रोका के वहीं पे ठोकना शुरू करता है। जोरदार पेलम पेलाई होने के बाद सभी लोंडे लड़कियों को अपने औजार का स्वाद दे रहे होते हैं। तभी वहां स्वीडन की 6 कन्याओं को ढूंढते हुए हेलीकॉप्टर से वकील वगैरह आता है तो वो लोंडे वैसे ही वहां से भागने लगते है। साथ में टॉम भी छुप जाता है तो लड़कियां भी अपनी सुरंग और संतरे आजाद करके बाहर निकलती है। तो वकील उन्हें उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बता के तुम्हारे नाम पे हो गई है ऐसा बताता है तो सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश होकर वकील के साथ हेलीकॉप्टर से चली जाती है और यही पे खुलेआम पेलम पेलाई करने वाले स्वीडन की 6 कन्याओं की कहानी का अंत होता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।